नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे देश में गर्मी कहर बरसाएगी। देश के मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम के मिजाज को लेकर जो पूर्ण अनुमान जारी किए हैं वो कुछ ऐसे इशारा कर रहे हैं। IMD के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में लू चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अप्रैल से जून के दौरान मध्य पूर्व और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में लू के सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। मध्य भारत की बात करें तो इसमें पश्चिम पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ का इलाका है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, उप हिमालय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा शामिल है। तो सहनवाज, गर्मी है जो बहुत बढ़ चुकी है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मार्च के महीने तक बहुत सुकून की स्थिति थी, हालत थी, लेकिन अप्रैल की दस्तक के साथ ही और शुरुआती हफ्ते से ही आप देखेंगे रांची से पूरे झारखंड में तमाम 24 जिलों में और खास करके पलामू परमंडल की स्थिति तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। और जो अभी फोरकास्ट आया है उसके हिसाब से अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव लू की स्थिति रहेगी, यानी दिन में आपको चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस मुश्किल के बीच में कहीं ना कहीं आपको अपना जो जनजीवन है वो चालू रखना है। लेकिन जो राहत वाली खबर ये है कि फिलहाल जो ये लू की स्थिति है वो अगले 2 से 3 दिन तक रहेगी, उसके बाद जो फोरकास्ट आएगा उस पर देखने वाली बात होती है कि क्या मौसम कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। लेकिन खास बात ये है और समझने वाली बात ये है कि राजधानी रांची का मौसम इतनी तेजी के साथ आखिर कैसे ये बदल गया, क्या स्थिति हुई। तो जो जानकार हैं, जो मौसम को नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि राजधानी रांची में जिस तरह से कंक्रीट के जंगल को बढ़ाया गया है, यानी कि पेड़ पौधों को काटा गया है, हरियाली को काटी गई है, अभी आप देखेंगे अभी जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है, ROB का निर्माण हो रहा है, उसकी जद में पुरानी से पुरानी पेड़ों को भी कहीं ना कहीं बलि चढ़ा दी जा रही है। ऐसे सैकड़ों पेड़ है आप देखेंगे, चाहे आप सिरमटोली के इलाके में चले जाएं या फिर आप राजेंद्र चौक के आसपास के इलाके में चले जाएं या कांटा टोली के चौक के इलाके में चले जाएं, आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में ऐसे पेड़ों के को काट कर रख दिया गया है। उसके एवज में जो कंपनियां पेड़ लगाती हैं, माफ करें पौधे जो लगाती हैं, उसका अस्तित्व रहता है नहीं रहता है, उसकी देखभाल हो पाती है या नहीं हो पाती है, या उस आकार में वो बन पाता है कि नहीं बन पाता, इसको देखने वाला कोई नहीं है। पेड़ों की कटाई होती है विकास के नाम पर, लेकिन उस विकास को आगे कंटिन्यू रखने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी उस पर वो जोर आजमाइश, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। इसके लिए वन विभाग भी जिम्मेदार है और वो संबंधित कंपनियां भी जिम्मेदार है और ओवरऑल में कहें तो सरकार जिम्मेदार है कि विकास के नाम पर जलवायु से कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त छेड़छाड़ हो रही है, जिसका खामियाजा ये है कि अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और फिलहाल जो फोरकास्ट है वो बहुत परेशान करने वाली फोरकास्ट है, वो ये कि 3 दिनों तक लू की रहेगी, लू की चपेट में लोग रहेंगे। और इस बीच रांची की जो बिजली व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर हो गई है, घंटों घंटों की लोड शेडिंग हो रही है और प्रोमिनेंट इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है जहां पर उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो एक तरफ तो आपको गर्मी की चपेट में दो चार होना है, दूसरा तो आप जो बिजली की व्यवस्था है वो बेहद खराब है, और तीसरी हालत यह है कि राजधानी रांची के मैक्सिमम घरों में सप्लाई वाटर नहीं है। आप सोचिए कि ये कितनी ध्रुव स्थिति हो सकती है किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, कि एक तरफ तो भीषण गर्मी है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है। इन तीन चीजों की मुश्किल के बीच से आपको जिंदगी गुजारनी है, काटनी है, लिहाजा आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। लेकिन मौसम पर कहीं ना कहीं तमाम लोगों की नजर है, खासकर रांची मौसम केंद्र के जो वैज्ञानिक है अभिषेक आनंद, उन्होंने कहा है कि जल्दी एक नया फोरकास्ट भी जारी किया जाएगा। जी जी शहनवाज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।